तुलसी नायक एक ऐसा आदमी है जो कंजूस जरूर है लेकिन कभी हिलाता नहीं है, पैसे की बात अच्छी तरह जानता है। रिटायरमेंट है, ओल्ड एज है, जब सीनियर सिटीजन हो गया, अभी परेशानी रहती स्वास्थ्य को लेकर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और इस संगठन में इसी प्रकार जुड़े रहें और संगठन को आगे पुश करते रहें ताकि हम अपने नाम नमक और निशान के लिए लड़ते रहें कि जब तक कि हम अपना नाम और नमक और निशान प्राप्त ना हो जाए। आज की इस बैठक में शामिल सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय और जो अपना पैसा बर्बाद करके यहाँ पर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि आप लोग असम राइफल से संबंध रखते हैं और असम राइफल का नमक खाया है और उस नमक के बदले आप उसको अपना त्याग जो परिश्रम दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस बैठक में आए हुए सभी कोरबा से हमारे सुधार मोहन साहब और शायद देहरादून वाले पहुंचे कोई ओके और देहरादून से हमारे सुधार अपने नौकिया साहब अभी भी पहुंचे हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं बागेश्वर से हमारे नंदन साहब जो स्वास्थ्य कारण से काफी परेशान रहते हैं, उधम सिंह नगर से हमारे सुधार भीम सिंह साहब और हमारे स्टेट सेक्रेटरी सुधार बिशन सिंह साहब, आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेष विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड में कि जो हमारे पंजाब राज्य से सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह बाजवा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अलवा के लिए इतने समर्पित वो व्यक्ति एक हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं भी कभी भी किसी भी हालत में पहुंचने को तैयार रहते हैं। वो आए मैं उनका विशेषकर सारे उत्तराखंड समाज की तरफ से अपन जिसमें असम राइफल की तादाद तो बहुत ज्यादा है ही है और उन्होंने इसके नाम और नमक और निशान को हासिल करने के लिए अपना भरपूर जोर भी लगाया है। आज सदस्यता में हमारा उत्तराखंड सबसे आगे है और ये जिम करने में भी ये दूसरे नंबर में, पहला ये जिम इससे पहले केरल राज्य कर चुका है वो पिछले साल भी किया था लेकिन जो इनने पहला ये जिम का आयोजन किया है यहाँ पर हमारे सिद्धार्थ किशन सिंह साहब के नेतृत्व में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद आप सब लोगों का भी है जो पीछे से यहाँ पर जोर लगा के हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब सीनियर लोगों को मालूम है कि संगठन में ही ताकत है। हम फौज में थे, फौज में क्या होता था कि ऑर्डर आदेश का पालन होना जरूरी है लेकिन संगठन जो शिविर में आगे हमें पता चला कि यहाँ संगठन के अलावा कोई काम नहीं हो सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और आप लोगों ने यहाँ पर हल्द्वानी में खासकर उत्तराखंड में चाहे वो चाहे हमारा देहरादून हो, चाहे कोटद्वार हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, कोई इतना सशक्त बनाया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप सबको मालूम है, नहीं है तो मैं बता देता हूं, मैं अभी हिंदुस्तान के हर कोने में घूम चुका हूं सिर्फ गोवा और उड़ीसा को छोड़ के, कि हर जगह हमारा नाम लिया जाता बोला कहां का है उत्तराखंड, बोला हाँ उत्तराखंड में फलाने साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बोला किशन सिंह साहब बन गया वहां पर, बोला त्रिलोक सिंह लोग जाता तो कोई मिसाल ही नहीं है। मुझे सुनने को मिलता, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के सुख दुख में ये काम आते हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा मैं तो बहुत कम आता हूँ, आज भी मैं किसी काम में व्यस्त था फिर भी मुझे आना बहुत जरूरी था तो मैं यहाँ पर आया। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में आने से और क्योंकि ये मेरा परिवार है, हर संगठन भी एक परिवार ही है, हर एक संगठन एक परिवार है। और आज हम लोग जो बैठे हैं इस मंच को, हम लोग का जो मिलने का ये एक ऑब्जेक्टिव दिया, ये अरे वही एक ऑब्जेक्टिव था हमारा और इसका जो जनक है आप सबको मालूम है सुविधा वीपी नायर, असम राइफल को 190 साल हो गए होने जा रहे हैं लेकिन किसी ने पहल नहीं करी कि हम कहाँ हैं। हम चाहते हैं आर्मी की लाइन में तो वो कहते नहीं तुम तो ये चीज लागू नहीं है, हम जाएंगे पुलिस की लाइन में वो कहते नहीं नहीं तुम्हें ये चीज लाइन तुम तो आर्मी के हो, हम जाएंगे हमारा कोई नाम ही नहीं है। जिसका कोई नाम नहीं होता है उसके बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं, आप सब समझदार हैं। तो हम अपना नाम ढूंढ रहे हैं, हमने प्रथम विश्व से लेकर सारे युद्ध लड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने अनेक मेडल प्राप्त किए हैं लेकिन कमजोरी हमारी एक ही कि हम अपने स्वार्थ में रहे पहले, आज भी अपने स्वार्थ में घूम रहे हैं, हमने अपने हक की मांग नहीं करी। तो कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां उसको दूध नहीं पिलाती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सुधार वीपी नायर ने एक संगठन
पूरा। उससे एक संगठन खोलने से पहले आप सबको पता है, मैं पहले भी यहाँ पर पिछले साल बीके नायक साहब या उन्होंने बताया क्या क्या काम उन्होंने असम राइफल के लिए किए। उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है इस पर, सिर्फ ये है नाम के लिए कि हमारा नाम क्या है, हमारी कैटेगरी क्या, हम किस श्रेणी में आते हैं। तो इसके लिए संगठन बनाया हुआ है जिसके आधार पर आज हम इस मंच पर पड़े हैं। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि सुविधा वी टी नायर के अलावा इस हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान को छोड़ ही दीजिए, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो असम राइफल के इतिहास के बारे में, असम राइफल के बारे में कोई जानकारी रखता हो, चाहे कोई कितना ही पढ़ने का हो, कोई कितना ही एलएलबी हो, कोई कितना ही कहे मैं तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खाना खाता हूं, लेकिन सुधार नायक के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ये मैं आपको कह भी देता हूं। आप सबको पता है सुधार नायक ने क्या काम किया है, संगठन किस प्रकार से यहां तक पहुंचा हुआ है, किस प्रकार से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस प्रकार से अपने बायलॉज बनाए हुए हैं। बिना बायलॉज के हमारे संगठन में कोई काम नहीं होता है। बावजूद उसके कुछ लोग टीका टिप्पणी करके संगठन को फिर उसी गर्त में डालना चाहते हैं, जिस प्रकार असम राइफल का नाम नीचे गर्त में आर्मी ऑफिसर डाल रहे हैं, उसी प्रकार कुछ हमारे व्यक्ति जो है वो अरेवा का नाम नीचे डालेंगे, उद्देश्य से हमारे ऊपर छींका कशी करते हैं, सुधार नायर के विरोध में खड़ा होते हैं। ये बात कोई अच्छी नहीं है। आपकी काबिलियत है, आप मन से पाइए। मैं हवलदार हूँ, 24 साल में हवलदार हूँ, 27 साल में रिटायर हुआ, तब तक मैं 24 साल तक सिपाही था। मेरे पास कोई काबिलियत होगी शायद, है कि नहीं है मैं नहीं जानता, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ खड़ा होने का अवसर दिया है, तो आप भी आइए ना। बिस्तर में बैठ के व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं, शर्म नहीं आती, कहते हैं सुविधा है सुविधा नहीं करें, आप सब लोगों का बुरा लगता है, आप व्यक्तिगत रूप से अपने मन में मत दीजिएगा इस चीज को, संगठन के तौर पर मंच पर आइए ना। घर में खड़े हैं, घर का हमारी लड़ाई है कोई और है, लेकिन ये संगठन हमारा एक है। अभी आने वाला 10वें AGM में होने वाला है, आप में से कई लोगों ने रिजर्वेशन कराया होगा, अगर नहीं भी कराया है तो भी मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए वहां पर बंदोबस्त लाने के लिए। मैंने पहले मैं वहां 10 दिन रह के आया हूँ, मैं होटल लेके आया हूँ जिसमें मेरे को 94 रूम पहले मिले थे, 10 रूम मैंने और करवा दिए, होटल और बुक कर लिया है, और 150 आदमी के लिए घूमा लिया हुआ है, बहुत बड़ा जो बुद्धिस्ट का घूमा होता है वो घूमा लिया हुआ है, उसमें चले जाएंगे। लेकिन जो घर आए हैं एक्सर्विसमैन का जो हमारा संगठन है, जिसमें तो सर्विसमैन तो कोई नहीं है, एक्सर्विसमैन है, हम तो नौकरी मुश्किल कर चुके हैं ना, फिर उसका क्या होगा, थर्ड पेरमिशन की बात का हिसाब फिलहाल पाएगा, हम उसकी बात भी लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि पिछले कम से 29वीं हो चुकी है हमारी, 7 साल हो चुके हैं पूरे, कोई फैसला हाईकोर्ट से नहीं आया। मतलब जिस दिन हाईकोर्ट से हमारा फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, उसका फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और जहां तक संगठन को तोड़ने संगठन को बदनाम करने की बात है, खैर मेरे उत्तराखंड से तो कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एक दो राज्य है हमारे जहां से टीका टिप्पणी हुआ करती है, जबकि हमने उन्हें कह दिया है खुलेआम भाई तुम आओ तुम ऑडिट करो, एक पैसे का भी तुम्हें अगर फर्क मिलता है तो तुम वहीं पर हम सब कुछ छोड़ के तैयार हो जाए। सुधार तुलसी नायक एक ऐसा आदमी है जो कंजूस जरूर है लेकिन कभी हिलाता नहीं है पैसे, ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोग बैठे होंगे उनके साथ नौकरी किया होगा, लेकिन आज के दिन में उसके बारे में जानने के अलावा आप कोई नहीं जान सकते उसके बारे में, बंदा कैसा है तो मैं जानता हूँ उसके बारे में। वो फेयर रहता है, वो फेयर रहता है, साफ रहता है, इसीलिए मैंने सर्विस छोड़ने नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद उसको ज्वाइन किया। उन लोगों को भी देखिए आप मेंबरशिप कैसे बनानी है, आप वो भी देखिए कोई जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि संगठन किस दूरी तक पहुंच चुका है, हम लोग ने पहुंचा है और लोग पहुंचने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आगे अभी एलएलबी किए हुए हमारे संगठन में मेंबरशिप ले ली और साल भर का दावा कर दिया कि मैं तो प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं। साल भर का ये दिन ये हमारे कुशाल सिंह जी है, शुरुआती मेरे से पहले के है, ठीक है, इनका नंबर नहीं पड़ा है, लेकिन एक साल पहले मेंबरशिप लिया बोला मैं तो प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ, ऐसे लोग दावा करने आ रहे हैं। तो वो चीज है हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका डिसीजन वो लोग बैठे, आप लोगों का काम है कि लोगों को संगठन में जोड़ना,
पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में करोड़ों केस लंबित है, करोड़ों केस हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में लंबित है जिनका फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट का एक फैसला नहीं होता बदला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना पीछे आ सकता है, और उन्हीं में ये काम नहीं है। और ये बस सोचिए कि हम बहुत जी है, कोई हमारे पर रियायत करेगा, कोई नहीं करेगा, जी तो आप उसमें दरख्वास्त है फिर से संगठन को मजबूत करिए, सराउंडिंग एरिया जो भी है, चाहे उत्तराखंड में कहीं भी हो, अगर गौतम में कोई परेशानी होती है तो बाइक तो आपका भी बनता है उसके सपोर्ट में आप खड़ा होने का, दुदुरपुर में कोई केस होता है तो गौतम वाले का भी चमोली वाले का दायित्व बनता है कि वहां से हमला करने का, अगर आप नहीं करोगे तो अलग थलग पड़े रहोगे, पीछे जाओगे, जैसे हाल में योगी जी ने कहा था, वो आप योगी का नीचे फिर भी कह रहा हूँ, अलग अलग रहोगे तो कटोगे, अलग अलग रहोगे तो कटोगे, वही बात हमारे अंदर भी है। संगठन की मजबूती का एक मिसाल देता हूं, 2 साल पहले रुद्रपुर में केस हुआ था, राम कुमार आर्या का सेवनियार का बंदा था, उसके पार्क में इतना ही बड़ा पार्क है, इससे बड़ा छोटा होगा, उसमें उसकी प्रतिमा लगी हुई है, तो लोगों ने अतिक्रमण करके उसको मंदिर बना दिया, मंदिर बना, जब मुझे पता चलता बलवंत साहब ने मुझे बताया ये कहानी, तो मैं गया तो एक आदमी को आदमी को पूछता हूँ, लेकिन जब मैं पिछले दिन यहाँ से अपने बिंदु पता के उमेश जी साहब को बताया, ये आपके साथ भी ले गए, रघुवा जी को बताया, इन्होंने भी आदमी भेजे, बल्कि खटीमा से अपने दीवान सर भी लेके आए आदमी, जब आम पंचकूल वहाँ पर 15-18-20 आदमी खड़े हुए तो प्रशासन को वो बना हुआ मंदिर तोड़ना पड़ा वहां पर। तो ये है एकता की ताकत, जब वहां गैर सर जाते थे तो लोग को कहते थे वहां तो लठमारी होने वाली थी, लोग कहने लगे तो टोपी वाले आ गए, टोपी वाले कहने लगे हमको, तो मैंने भी उनको कहा था डीएम अगर आगे से उठाता तो उठाता, नहीं तो 40 आदमी पर डे हमारे यहाँ पर बैठेंगे धरना में जब तक इसकी पार्क का मूर्ति को मान न फंसा पाए। लेकिन दुखद बात उसके बाद की बात है, 5 मई को उसका जयंती मनाई जाती है, हमारे लोग वहां पर नहीं आते, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सुबेदार मेजर सुबेदार हवलदार साहब सिपाही साहब से भी साहब, लेकिन कोई नहीं आता है।